अजनी थाने की पुलिस ने लोटन हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी मनीष निषाद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए हत्यारोपी मनीष के पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है। खजनी पुलिस ने गुरौली बुजुर्ग इलाके से आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान मामले का खुलासा करते हुए SP साउथ विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि दरअसल बीते 11 तारीख को खजनी थाना क्षेत्र के छपिया इलाके में पुलिस ने खून से लथपथ एक युवक का शव बरामद किया था। इस मामले में केस दर्ज करने के साथ पुलिस खुलासे में जुट गई थी। तफ्तीश के दौरान मृतक लोटन के गांव गुरौली बुजुर्ग के ही मनीष निषाद की भूमिका संदिग्ध मिली थी, जिस पर पुलिस ने जब मनीष को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। SP साउथ ने बताया कि मीट खाने के बाद को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। इस दौरान हत्यारोपी मनीष के मुताबिक मृतक लोटन द्वारा उसे गाली देने के साथ मारा पीटा गया था। इस बात से नाराज होकर ही उसने बीते 10 तारीख की रात में सोते वक्त लोटन की गला रेतकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हत्यारोपी युवक को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, नहीं है तो हत्या की है। अच्छा, सनसनीखेज हत्या, पीठ से पूछ कर चाकू से गला काट कर। हाँ, काहे की एक बोल के बता दो, सुन ले ये लोग चाकू कर से ले गए थे। अच्छा, उसी कर से ग्यारह मई को अभी क्राइम नंबर 83/20 खजनी में एक मर्डर का मुकदमा लिखा गया था और उसी मुकदमे के उसमें उस अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। चूँकि अननोन था और उससे थाना अध्यक्ष जो प्रभारी निरीक्षक हमारे कोतवाली खजनी के हैं उनकी टीम ने इस पर प्रयास किया और उसमें अभियुक्त को मनीष शाहनी को पकड़ा है, जिससे अपना जुर्म स्वीकार किया है और उसने आला कत्ल भी बरामद कराया है। और उसका कहना था कि 8-10 दिन पहले उसने ये लोग मीट खा रहे थे और मीट खाने के बाद कुछ आपस में कहा सुनी और लंबा वो बढ़ गया, उसी को मन में वो रखा हुआ था और अभियुक्त ने उसी पे उसको ईंट से सोते समय ईंट से मारा है और चाकू से फिर उसका गर्दन काटा था। नहीं, और कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, एक वो मन में ऐसी बात उसके बैठ गई थी जिसके कारण उसने इस हत्या को की।